बॉक्स ऑफिस पर कमाई के हिसाब से देखें तो 2018 का एक चौथाई हिस्सा बॉलीवुड के लिए अच्छा गुजरा है। कुछ अच्छी पटकथाओं और कहानियों के साथ ही एक्टर्स की उम्दा परफॉर्मेंस भी इस दौरान देखने को मिली है। पिछले 3 महीनों में सिनेमा ने कुछ ऐसे यादगार किरदार दिए हैं जिन्हें भुलाना दर्शकों के लिए आसान नहीं होगा। फिल्मों को कुछ देर के लिए छोड़ दे तो ऐसा कौन सा एक्टर था जिसने 2018 में आपको अपनी एक्टिंग से प्रभावित किया? दोस्तों, आज आप चुनिए कि आपको कौन सा एक्टर साल के शुरुआती 3 महीनों में बाकियों के मुकाबले ज़्यादा दमदार लगा है। निसंदेह इस साल जिस एक्टर का नाम सबसे ज़्यादा दमदारी से पहले आता है वो है रणवीर सिंह। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के किरदार में नज़र आए रणवीर सिंह ने न केवल दर्शकों को प्रभावित किया बल्कि क्रिटिक्स ने भी रणवीर सिंह के किरदार की जमकर तारीफ की। खिलजी का किरदार रणवीर सिंह की अब तक की सबसे शानदार परफॉर्मेंस में से एक माना जाता है। हालांकि ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि रणवीर सिंह इस साल अवार्ड फंक्शंस में छाने वाले हैं, लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है। वहीं अपनी लाजवाब कॉमिक टाइमिंग और एक्शन के लिए पहचानी जाने वाले अक्षय कुमार इस साल की शुरुआत में अरुणाचलम मुरुगनाथम की बायोपिक पैडमैन लेकर हाजिर हुए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अक्षय ने इस किरदार को जिस ढंग से निभाया उसने दर्शकों का दिल जीत लिया। सैनिटरी पैड्स जैसे सब्जेक्ट पर बात करती इस फिल्म से अक्षय ने न केवल इस मुद्दे पर अवेयरनेस फैलाने का काम किया बल्कि फिल्म के कलेक्शन भी शानदार रहे। फिल्म के क्लाइमैक्स में अक्षय की स्पीच दर्शकों के दिल में उतर गई और एक खुशहाल मोड पर आकर फिल्म रुकी। तो आपको क्या लगता है अपना सुपर हीरो अवार्ड्स में कहाँ जगह बनाएगा? वहीं फिल्म रेड में इनकम टैक्स ऑफिसर अमय पटनायक के किरदार में अजय देवगन अपनी चिरपरिचित शैली में अवतरित हुए। लंबे समय बाद गंभीर किरदार में नजर आए अजय देवगन की दीवानगी इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर देखने को मिली। फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित थी और इसके डायलॉग डिलीवरी भी बहुत अच्छी थी। वहीं बात करें फिल्म पद्मावत की तो फिल्म पद्मावत में केवल रणवीर सिंह की ही अदाकारी को याद नहीं किया जा सकता। यदि खिलजी बने रणवीर सिंह ने अपने किरदार में क्रूरता दिखाई थी तो महारावल रतन सिंह के किरदार में शाहिद ने भी राजस्थानी रजवाड़ों की शान वीरता और वैभव को पर्दे पर उकेरा था। महारावल रतन सिंह के किरदार के बिना खिलजी अधूरा ही है। शाहिद को रॉयल अवतार में देखना वाकई सुकूनदायक था। दोस्तों, आपकी क्या राय है? इस साल का अभी तक जितना समय गुजरा है उसमें कौन सा ऐसा एक्टर था जिसने बड़े पर्दे पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ दी है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बॉलीवुड से जुड़ी और दिलचस्प खबरों के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड जंक्शन।